الله عليك يا محمد صلى الله عليك يا محمد صلى الله عليك يا محمد صلى الله عليك يا محمد. हमने एक लिटरेचर लिखा रूहानी सफर के नाम पे, वो हमारे बचपन के वाकयात थे, कुछ ख्वाबें थी कुछ ज़ाहिर थे. बहुत से लोग हमारे हमायती हैं, बहुत से लोग हमारे मुखालफ हैं, बहुत से उलमा भी हमारे मुखालफ हैं और बहुत से उलमा हमारे आज हमायती भी हैं. वो जो मुखालफ उलमा थे उन्होंने उस किताब में से चंद सतरें ली, उनको आगे पीछे कर किए, उसके मफहूम बदल लिए, फतवे लगा के पंपलेट तकसीम कर दिए. हम पंजाब में जाएं जिधर भी जाएं वो पंपलेट लोग सामने ले आते हैं. लोगों को यही कहा, बेहतर यही है कि तुम वो किताब खुद पढ़ लो, रूहानी सफर स्टाल पे मौजूद है, खुद पढ़ लो. लोगों ने वो किताबें पढ़ी, फिर वो उन उलमा के पास गए कि इन किताबों में तो कोई ऐसी बात नहीं है कि वाजिब अल कत्ल के फतवे लगा दिए. अब वो कहने लगे कि ये दूसरे एडिशन है, वो पहले एडिशन इन लोगों ने छुपा लिए हैं. और हम कहते हैं कि अगर वाकई हमने छुपा लिए हैं तो जिनसे तुमने इक्तबास लिया वो तो तुम्हारे पास होंगे ना, वो ही दिखाओ. वो इस तरीके से तुम लोगों को परेशान करेंगे. इससे बेहतर है कि जो जिक्र ले पहले दिल की सफाई करे, उसके बाद जिक्र ले. जिक्र लेने के बाद कभी नहीं कहेगा कि मुझे जरा भी जलाल आया, कहेगा मैं 24 घंटे अल्लाह करता हूं, मुझे तो जरा भी जलाल नहीं आता है. कुछ लोग जलाली होते हैं, कुछ जमाली होते हैं. जलाली लोगों को यह जरूर होगा, जब अल्लाह अल्लाह करेंगे तो थोड़ा सा गुस्सा आएगा. जब गुस्सा आए फिर वो क्या करें, फिर वो दुरूशी पढ़े, दुरूशी उनके गुस्से को ठंडा कर दे. साहबा करम फरमाते हैं जब हम पे मुसीबत आती हम दुरूशी पढ़ते, इससे पहले क्या करते, हर वक्त जिक्र अल्लाह ही करते, हर वक्त जिक्र अल्लाह ही करते. जब दिल घुटने को होता दुरूशी पढ़ते, जब जिक्र बंद होने को होता दुरूशी पढ़ते, जब गुस्से आते दुरूशी पढ़ते, वो उनको ठंडा कर देता.